गत सेप्टेम्बर एक तारीख दिन प्रयास टेलीविजन रे प्रकाश होता विधायक प्रणव बलवंत रायंकर कला कारनामार पर्दाफाश कर मामू भरंजा निद हजि गणमाध्यम प्रतिनिधि माने खबर प्रकाश करते किंतु प्रयास टेलीविजन रो एही प्रयास को समस्ते साधुवाद जनाइथिले किछि दिन बीती जाइथिले सुधा लोकायुक्त एबे एहार तदंत करिवे बोली सूचना मिलिछि। आसंतु देखिबा प्रयास रो महाप्रभाव धर्मशाला विधायकक मुंड उपरे खंडा। जाजपुर जिल्लार केळुओ नदी को दुर्वृत्त माने डायनामाइट लगाई विस्फोरण करबा घटना नुआ मोड़ नैछि। एही गुरुत्वपूर्ण घटन रे लोकमानंको जीवन सहित जीविका रहिथिबारु सर्वेश्वर बेहरा नामक जने सामाजिक कर्मी लोकायुक्तंकर हस्तक्षेप लोडिथिले। लोकायुक्त अध्यक्ष डॉक्टर अजीत सिंह मामला को ग्रहण करी धर्मशाला विधायक प्रणव बलवंत रायंक समेत 6 जन को नोटिस जारी करिछंती। लोकायुक्तंक पक्षरु श्री बलवंत रायंक सहित पूर्त विभाग सर्वोच्च जंत्री जाजपुर जिलापाल पाणिकोइली कार्यनिर्वाही जंत्री जारका उपनिर्वाही जंत्री एवं कनिष्ठ जंत्री नरेन जेना को मध्य पक्षभुक्त करी नोटिस जारी करिछंती लोकायुक्त। आसंता डिसेंबर 3 तारीख रे मामलार परवर्ती शुणाणी समय रहिछि। एहा पूर्वरु जवाब दाखल करिबाकु लोकायुक्तक पक्षरु संपृक्त व्यक्ति विशेष को कुआ जायछि। आसंता 6 सप्ताह मध्यरे जवाब देबा परे प्रकृत सत्य लोकलोचन को आसीबो बोली श्री बेहरा कहिबा सह साधारण जनसाधारण मत देइछन्ती। सर्वेश्वर बाबू जो भाई भाव में घटना समग्र ओडिशा रे गोटे चर्चित घटना जो भाई भाव में नदीबंध को भंगा गला एवं जो मामू भणजा जो उपाख्यान रही मामू बलवंत राय जो कला कारनामा आम पर्दाफाश करूँ प्रयास टेलीजन ए संबंध में कौन कहे जो लोकायुक्त आज कही तदंत करेंगे बोली संबंध में आप कौन कहे सर्वप्रथम धन्यवाद देवी लोकायुक्त को जो तथ्य आधारित संबलित लोकायुक्त दृष्टि आकर्षण करी ताकू आधार करी ये जो 6 जन को नोटिस जारी करिसेंती एवं मामू तांको माने मामू महनाक समस्त 6 जन नोटिस जारी करिसेंती एवं आगामी सुनानी 3 तारीख रे डिसेंबर 3 तारीख को दिन धार्य करिसेंती। प्रथम कथा हला जेतेबेले खेलुआ नदीबंध टी एक सुदृढ़ नदीबंध मु भाबुची प्राय राज्य रे एभली नदीबंध कोठी से देखिया को मिलिबो नहीं सेतेरे माने कोन कोटी कोटी टंका खर्च होई छे 24 कोटी टंका पूर्वरु मध्य 10 कोटी टंका खर्च होई छे ये सब एत बड़ सुदृढ़ नदीबंध को डायनामाइट द्वारा उड़े दिया गला हजार हजार लोक को बुड़े दिया गला तंकर जीवन जीविका को नष्ट कर दिया गला एपर्त पुलिस रे विभाग जंत्री जी अच्छा जलसंधन विभाग सी एतला दे एपर्त पुलिस तार एतला टी चापी धरिक रखी क्या जन पाखे से अभिजुक्त पाखे पहुंचनी केमी मिथ्या प्लट तैयारी कौन केमती कर किंतु मुँ तो कही उठे प्रथम मामू भणजा षड़ घाई सर्वसर्व गोटे कथा जाना चाहिए जो भाई भाव में बर्तमान 5G सचिव कथा कहतु राज्य सरकार जो स्वच्छर दबदबा मारुंच बाहस्फोट मारुंच ये घटना पर जितेबाला हजार हजार लोकंर बास एवं जीविका सहित तो प्रभावित पड़ी जड़े प्रणव बलवंत राय आगधाड़ी नेता कपा भल नेता थे धर्मशाला जड़े प्रभावशाली व्यक्ति विशेष रही विजु जनता दल प्रोत्साहन वाकर जो एम कड़ा कार्युषान मान घाई भांगा 28 तारीख 29 तारीख सका लोक मैंने पानी से बुड़ी गले कि आज पर्यटन विधायक ना से जाती ना लोक सुख दुख रही सी जाती पद पदवी से बंचव कमी निजर केयार सुरक्षित रखे भुवनेश्वर से कमी 5G सचिव निजर दबदबा रखे और बर्तमान से जाए बालेश्वर से प्रचार कार्य लगे साधारण लोक बुड़ी मानते बुड़ी
ତାଙ୍କର ଜୀବିକା ଯାଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଫସଲ କ୍ଷତିପୂରଣ ହଉ କିମ୍ବା ଘର ଭଙ୍ଗା କ୍ଷତିପୂରଣ ହଉ ସର୍ବେଶ୍ୱରବାବୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ଯୋଉ ଲୋକାୟୁକ୍ତ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଏହାର ତଦନ୍ତ କରିବେ ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତଦନ୍ତ ଆପଣ ଆଶା କରୁଥିଲେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଲୋକାୟୁକ୍ତ କହିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଭାବୁଛନ୍ତି ଲୋକାୟୁକ୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯାହା କୁହାଯିବ ଲୋକାୟୁକ୍ତ ଯାହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବେ ସେମାନଙ୍କ ତଦନ୍ତ ଠିକ୍ ହବ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଲୋକାୟୁକ୍ତ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ଲୋକାୟୁକ୍ତଙ୍କ ମନିଟରରେ ତଦନ୍ତ ହେବ ଆଉ ସେ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ପ୍ରମାଣିତ ସହକାରେ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି ମୁଁ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ପ୍ରମାଣିତ ଧରିଲେ ମୁଁ ଜଣେ ସୂଚନା ଅଧିକାର କର୍ମୀ ତ ଆଜିକି ବାର ଦିନ ହେଲା ସେଇ ଦାବି ନେଇକିରି ଆଜିକି ତହସିଲ ସମ୍ମୁଖରେ ବାର ଦିନ ହେଲା ଧାରଣାରେ ବସିଛି ନା ମୋ ପାଖରେ ପ୍ରଶାସନ ପହଞ୍ଚୁଛି ନା କିଛି ପହଞ୍ଚୁଛି ଧନ୍ୟବାଦ ସର୍ବେଶ୍ୱର ବାବୁ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇଥିଲେ ସର୍ବେଶ୍ୱର ବାବୁ ଯାହା ସିଧାସଳଖ କହୁଥିଲେ ଯେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଧର୍ମଶାଳାରେ ଘଟଣା ଘଟିଛି ଏହା ଏକ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଘଟଣା ଏବଂ ଏହି ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଘଟଣା ପଛରେ ମଧ୍ୟ ବିଜେଡିର କିଛି ପଇସା କାରବାର ହୋଇଥିବାର ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସନ୍ଦେହ ଆସୁଛି ଏବଂ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା ପରେ କେଳୁ ନଦୀକୁ କିଭଳି ସେ ନଦୀ ବନ୍ଧକୁ ଭଙ୍ଗାଗଲା କିଏ ଭାଙ୍ଗିଲା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ରହିଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ଲୋକଙ୍କର ଜୀବିକା ହରାଇଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ଲୋକ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଜୀବିକା ହରାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଭରଣା କିଏ କରିବ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବହୁତ ଦିଲ୍ଲୀ ପିଟୁଥିଲା ବେଳେ ଏଭଳି ଏକ ପରିସ୍ଥିତି ଏଭଳି ଏକ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ପେଟ ପାଟଣା କଥା କିଏ ବୁଝିବ ଧନ୍ୟବାଦ ସର୍ବେଶ୍ୱର ବାବୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ ତେବେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗର ଗୁରୁତ୍ୱକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରି ଏହାକୁ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ ତଥା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତଦନ୍ତ କରିବାକୁ ଲୋକାୟୁକ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଥିଲା ହେଲେ ଆଜି ବିଧାୟକଙ୍କ ସମେତ ଯେଉଁ 6 ଜଣଙ୍କୁ ନୋଟିସ୍ ହୋଇଛି ଏଥିରୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିବ ବୋଲି ମତ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ଯାଜପୁରରୁ ସତ୍ୟରଞ୍ଜନ ପାଢ଼ୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ